हर साल जिस तरह से आप देखते हैं कि गंगा यमुना का जल स्तर बढ़ता है और बाढ़ आती है, तो करेली में भी यमुना जी का जो जल स्तर बढ़ा हुआ है, यहाँ पे भी बाढ़ आई हुई है, काफ़ी घरों में पानी घुसा हुआ है, बहुत लोग हैरान परेशान है, बेहाल है कि सरकार की तरफ से कोई सहायता मुहैया कराई जाएगी, बट अभी तक कोई भी सहायता, कोई भी राहत सामग्री उन तक नहीं पहुँच रही है। लोग अपनी छतों पर टकटकी लगाए देखते रहते हैं कि अब कोई सहायता आए, बट अभी तक ऐसी कोई भी सहायता उन तक नहीं पहुंची। पूछने वाला हो, लाइट तो है नहीं, पानी के लिए परेशान है, ना तो कोई इधर आ रहा जा रहा, क्या करें, हम ऊपर फंसे, अब घर छोड़ के भी कहाँ जाए इतना पानी में। अब आप लोग थोड़ा देखिए, कुछ करवाइए यहाँ के लिए कि हम भी जी सकें जितना दिन पानी हो, फिर तो अपना देखना ही पड़ेगा। तरफ से जो कोई आ नहीं रहा, अब तक जो है चार दिन होने जा रहा है, प्रशासन की तरफ से कोई अभी आज तक जो है झांकने भी नहीं आया, बाकी जो है अपने सफर कर रहे हैं लोग। देखिए इतना पानी आ जाता है, बारिश हर बार, हर साल हम लोग डूबने लगे हैं, पहले 5 साल पे 4 साल में बाढ़ आती थी, अब हर साल कब ये मसला हो गया है, जरा सा बारिश होती है तब भी कमर तक पानी आ जाता है, इस माहौल में कैसे रहे आदमी ना, यहाँ पे प्रशासन की तरफ कोई मदद नहीं, कोई कुछ नहीं, एक बोतल पानी भी नहीं मिला हम लोगों को, और ये हाल है, ये देखिए पूरा घर डूब चुका है हम लोगों का। लोग यहाँ पर 20 साल से रह रहे हैं, पहले ये था कि 3 साल पर बाढ़ आती थी, आज की डेट में ये हो गया है कि हर साल बाढ़ आती है, हम लोगों की रोजी रोटी यहाँ पर है, ना ही कोई सरकार दिख रही है, ना ही कोई मीडिया दिख रही, ना ही कोई नेता दिख रहे हैं, और ना ही हम लोगों को कोई आर्थिक मदद मिल रही है। हाँ, नाव तो चल रही है, सिर्फ 2 से 3 नाव चलती है, जो हमारे रिश्तेदार, जो भी मेरे रिलेटिव हैं, वो हम लोगों को मदद कर रहे हैं, नाव से यहाँ पहुँच रहे हैं, लेकिन कोई और नेता यहाँ पर आर्थिक मदद के लिए हम लोगों के नहीं आ रहा है। अभी हम किसी से कुछ नहीं पूछेंगे, बाढ़ जाने के बाद हम सारे लोगों से ये पूछेंगे कि सिर्फ वोट के लिए यहाँ पर लोग आते हैं और बाकी कोई चीज़ों के लिए नहीं आते, और जब वो हमारी मदद के लिए नहीं तो हम उनके वोट के लिए नहीं। कि हम लोग यहाँ पर पन्नी डाल के अपने बच्चों के साथ रह रहे हैं, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, लाइट भी नहीं है, दिन तो कैसे भी कट जाता है लेकिन रात नहीं कटती। हाँ, पानी भरने की वजह से सरकार ने लाइट भी काट दी है, अब बताइए ऐसे में हम कहाँ जाएं, कैसे रहें, कहाँ जाएं, कोई मदद नहीं है हम लोगों की, इस तरह से परेशान है कि इनसे उनसे हम लोगों का गुजारा चल रहा है, अगर हमारे ये पास पड़ोसी ना होते तो हम लोग कहाँ जाते। अब पन्नी में सोचिए कोई रह पाता है, हम लोग इतनी मुश्किलों से इस पन्नी में अपने बच्चों को लेकर गुजारा कर रहे हैं।